हे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में कुछ नया खास होने वाला है। तो आज चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इको पार्क के, जो कि पटना में है। तो चलते हैं गाइस। ओके, वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करिए इस मोमेंट का। और नए हैं तो कृपया लाइक कमेंट कर दें। ओके, सी यू इन द वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये बाहर का नज़ारा है और वो रोड है। तो गाइस वहाँ पर आपको झरना दिखाई दे रहा होगा, अभी भी मज़ा। तो गाइस, फाइनली इको पार्क के अंदर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ मतलब कितना ब्यूटी और बहुत मतलब शांति जगह है गाइस। इतना मतलब बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, जो आप मतलब महसूस कर सकते हो वीडियो में, और आपको हल्का लग भी रहा होगा। यहाँ का वातावरण देखो कितना मतलब एकदम शांति है, और मतलब चिड़िया के चिहचिहाट का आवाज़ भी आपको बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ का प्रकृति का तो कहना नहीं है यार, मतलब सही में इतना अच्छा मतलब सजावट बनाया जा सकता है। तो बताओ, चलो वीडियो में बने रहिए और आपको यहाँ का पूरा मतलब अच्छे से दिखाता हूँ सारा व्यू और नज़ारा, ताकि आपका भी कभी घूमने का मन कर जाए तो आया करो गाइस। ओके, तो गाइस, जैसा कि आप देख ही रहे होगे कि यहाँ का बहुत मतलब अच्छा और अद्भुत लग रहा था, तो थोड़ा मोड़ा शॉर्ट्स ले लिया, वीडियो छोटा सा एकदम बना लिया। यहाँ बहुत मतलब अलग किस्म का डिज़ाइन बनाया हुआ है गाइस। तो वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करिए। Guys, this is unbelievable. See the drawing, how beautiful they are. देखिए दोस्तों, कितना मतलब शानदार सा नज़ारा है यहाँ का। देखने के बाद मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ का आप देख ही रहोगे नज़ारा कितना ख़तरनाक है। और मैं अभी कुछ ऐसे लटक रहा था, तो फाइनली गाइस लटक के आ गए ऊपर से नीचे। गाइस, ये है एडवेंचरस पार्क, जिसमें आप देख ही रहोगे अलग अलग किस्म के मतलब बहुत मिस्टीरियस और मज़े आने वाले पार्क है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा अलग अलग मतलब कैसे आर्मी लोग ट्रेनिंग करते हैं। ओह,
उनका मतलब इसमें आनंद ले सकते हो इको पार्क में। ये बहुत अच्छा खासियत है यहाँ का, तो बहुत अच्छा लगा। देख सकते हो यहाँ का नज़ारा बहुत ही मतलब मिस्टीरियस और अद्भुत है, एडवेंचरस से भरा हुआ है। यहाँ आने के बाद बहुत मतलब बता नहीं सकता हूँ, आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से प्रकृति में एकदम, आप प्रकृति के मतलब बहुत माइंड आपका शांत हो जाएगा गाइस, बता नहीं सकता हूँ। और वहाँ पहाड़ भी बड़ा मतलब खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग तो बता नहीं सकता हूँ। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो कितना प्यारा और क्या अद्भुत है। और MG मिगाई और ये हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा लिखा, और C-1584 MG। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है, व्हाट इज़ दिस। वहाँ इको पार्क का कैंटीन है और यहाँ से आप देख सकते हो MiG एक फाइटर एयरक्राफ्ट, श्री नीतीश कुमार। ओ माय गॉड, व्हाट ए ग्रेट, अद्भुत नज़ारा। ओके, गाइज दिस इज अनबिलीवेबल मोमेंट आई फील। गाइज कितना मतलब शांति लग रहा है ना, बहुत शांति जगह है गाइज। देख रहे हो कि यहाँ लोग बहुत लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खतरनाक और मार्वेलस और मिस्टीरियस से भरा हुआ है। ओके, तो देखिए क्या वीडियो मैंने देखा नज़ारे हैं। यही रात ये है बुद्ध वाटिका, तो बिहार के बौद्ध धर्म की भूमि है बौद्ध। और यहाँ देख सकते हो गाइस ये मतलब वृक्ष है जो कि पीपल का है। यहाँ इसी वृक्ष के पेड़ पर भगवान बुद्ध को प्राप्ति हुई थी। तो चलते हैं, यहाँ नज़ारा ठीक ठाक है, अच्छा खासा। तू मेरी जिंदगी है, यहाँ पे मीन कुंभी धाम धाम। गाइस देख सकते हो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खतरनाक और अच्छा लग रहा है। तो प्रकृति में इतना मतलब अद्भुत नज़ारा हो सकता है, मेरे को विश्वास नहीं था। मैं तो एक क्या लिखा हुआ, धनु राशि संबंधित मूल प्रवर्जित, वो सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट लाइक दिस मोमेंट आई फील नाउ, सो इन्जॉय द मोमेंट विथ हैप्पी एंड सी हाउ नेचुरल ब्यूटी विल हेल्प यू, योर माइंड विल पीस यू टू मच एज यू थिंक। ओ मेरी जिंदगी। गाइस देख रहे हो यहाँ का कितना मतलब अच्छा सा आपको लग ही रहा होगा व्यू, और क्या कह सकते हैं यहाँ का ब्यूटी आप देख ही रहे हो, क्या गजब का नज़ारा है ना। वॉच एंड एंजॉय।
भगवान बुद्ध। गाइस आपको उधर दिख रहा होगा सिर्फ रोज का ही प्लांट है बहुत। तो जैसे कि आप देख रहे हो अभी एकदम पूरा बीच में फंसे हुए हैं, आपको कुछ दिखाते हैं गाइस। तो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो बुद्ध भगवान के गाइस देख सकते हो। ये पता नहीं कौन है पर पता करते हैं कौन है। राजा सोलेस जी हैं। देख सकते हो कितना सारा सोलर पैनल लगा हुआ है, मतलब एक अच्छा ही चीज है जो कि गाइस जिसे हम खोज रहे थे कैक्टस जो कि मिल चुके हैं। इसके लिए मैंने पूरा पार्क को छान मारा और लास्ट में जाकर ये मिला। और देख लो कितना मतलब बड़ा टाइम लग गया गाइस। मेरा क्लास भी हो रहा है पर क्लास क्या करूँ, क्लास ही तो है, एक दिन मिस तो नहीं करूँगा। आप देख सकते हो मतलब कितना अद्भुत यहाँ का नज़ारा इसमें है जो कि आपको सिर्फ बर्तन ही दिखाई दे रहे होंगे, लंच बॉक्स कटोरा थाली ये सब, कितना मतलब गजब है ना। आपको भीरू से दिखाता हूँ कितना बड़ा है गाइस, अनबिलीवेबल। पर ये अच्छा दिख गया इसमें है ना, सारा चीज साड़ा हुआ है। तो गाइस फाइनली लगता है सारे चारों तरफ तो घूम चुके हैं, अब कुछ और बचा नहीं है। नज़ारा तो शायद बढ़िया ही था। इट्स टाइम टू गो होम। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है कष्ट।